जय माता की भक्तों, आज मैं महामाई का एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूँ जो कि आपके उन्नति के द्वार खोल देगा। एक ऐसा खजाना है जो कि किसी भी रोग, किसी भी दारिद्रता, किसी भी प्रकार के संकट को क्षण भर में दूर करने की शक्ति रखता है। इसको त्रिकाल संध्या जाप करना पड़ता है और नित्य क्रम में अगर आप इसको ले आते हैं तो समझिए जिंदगी में ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी जो कि इससे दूर ना हो। ये एक महामंत्र है, एक स्तोत्र है महालक्ष्मी अष्टकम, जिससे कि आप उन सभी तालों को खोल पाएंगे जिनकी चाबी कहीं खो गई हो। अगर आपकी बिजनेस में रुकावट आ रही हो, व्यापार मंदा चल रहा हो, या फिर कुछ ऐसे पाप आपसे हो गए हों जो कि आपके आड़े आ रहे हों, आपकी उन्नति के द्वार जो है बंद कर रखे हों किसी ने, तो इस अष्टकम को कीजिए। उसके बाद जो है आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। मैं आपको अष्टकम एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदे हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहित देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थे देवी प्रब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नारलंकार भूषिते जगत्स्थे जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टक स्त्रोत्रम यह पठे भक्तिमानर सर्वसिद्धि मवाप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम, अर्थात जो एक बार इस स्रोत को पढ़ेगा उसका महा जो पाप होगा उसका विनाश हो जाएगा। जितने भी उसने पाप किए होंगे उनकी शुद्धि हो जाएगी। द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान समन्वित है, अर्थात अगर आप इसको दिन में दो बार पढ़ते हो तो धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपके भंडार भरे रहेंगे। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, अगर आप इसको दिन में तीन बार पढ़ते हो तो कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो वो स्वतः ही इस धरती से पलायन कर जाएगा। महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्ना वर्धा शुभ, अगर आप इसको रोज पढ़ते हो तो महालक्ष्मी आपको प्रसन्न होकर नाना प्रकार के भूषण आभूषण और जो भी आपकी मंशा होगी वो सारी इससे पूरी होंगी। शुभता जो है इस अष्टकम से आपके जीवन में आएगी। तो इसका त्रिकाल संध्या पाठ करना बहुत ज़रूरी है और नित्य करना है, एक भी दिन नागा ना हो। अगर आप ऐसा करते हो तो शुभता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो मुझे कॉल कीजिएगा 9992816625। धन्यवाद।